ट्रेलर का जो थोड़ा सा मैं बेनिफिट दिखा रहा था वो ये है कि ये जगह पे कट जाता जाता, देख रहे हैं मगर लोड ही हो गया यहाँ पे ट्रेलर उसके नीचे लगा के। और ये आप वॉल्वो की पावर तो आप जानते ही हैं, सुखतवा ब्रिज पे आपने देखी यही था, वो सेम टू सेम 400 मॉडल था। लग रहा है जैसे ट्रांसफार्मर निकाल रहे हैं, साला 50 टन का एक गटर है वही निकाल। आगे उस जगह पे हल्का सा टायर इसके टच हो गए थे, तो भाई फाइनली अपना घूम घाम के रेडी हो गया, अभी लेके चलते थे ब्रिज के पास क्योंकि रोड का जाम कर रखा है। 5 मिनट का दोस्तों ब्रेक लिया था, हल्का सा ट्रैफिक रोका था, उसमें तो कितना जाम लगा यहाँ पे, इजीली जगह पे पहुँचाना आसान है। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे ना पहला वाला गटर हम लोगों का यहाँ पे इरेक्शन हो चुका है। तो गाइज अपना एक गटर लॉन्च हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं ना, और मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। तो गाइज यहाँ पे एक बार फिर से पहिए घूमने लगे हैं हमारे, और अभी ट्रेलर बिल्कुल इसके नीचे लगा रहे हैं, गटर एकदम हवा में टांग लिया है आप देख रहे हैं, हो गया तकरीबन, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आगे पीछे करके इसको। और उस्ताद की ऑपरेटर ही मान गए यार हम, रिवर्स में कैसा लगाया उन्होंने, पर वो ट्रांसफार्मर वाले थे वो तो अलग ही लेवल के थे भाई, उनका तो कुछ कहने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दिख रहे हैं भाई आप, टाइम हो रहा है सुबह का लगभग 9 बजे के आसपास, और यहाँ पर 4th नंबर की जो क्रेन मैं बता रहा था वो यहाँ पहुँची है, और ये 110 TPS इसका क्षमता है, टन 110 टन के आसपास की। तो अभी हम लोग चालू करने वाले इरेक्शन का काम, क्योंकि कल भी रात लेट हो गए थे तो कल भी नहीं कर पाया, तो अभी अपन चलते सीधे साइड में, क्योंकि ये वाला है, मैं अभी इटारसी के एंड पे खड़ा हूँ, इसके दूसरे एंड पे चलेंगे, तो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्रेन भी अभी लगना चालू हो गई है, तो अभी दो खड़ी हैं, तो अभी चालू करते हैं भाई इरेक्शन के लिए, पहले गटर की लोडिंग। तो बने रहे इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जब अपन माचना नदी के, अपन ने जब 60-70 गटर अपन लॉन्च किए थे माचना के 40, और सुखतवा ब्रिज के और केसला वाले ब्रिज के, तब दोस्तों आपको पता है तब केवल 3 क्रेनों से काम कर दिया था, लास्ट में 2 ही रह गई थी। और भाई अभी केवल 12 गटर रह गए हैं, 12 गटर लॉन्च कर लेने क्रेनों का कितना काफिला है, 4 क्रेनें आ गई हैं, 2 गटर को ट्रेलर पर लोड करने के लिए, 2 गटर को इरेक्शन करने के लिए। जो बड़ी बड़ी क्रेन है वो इरेक्शन करेंगी, और जो छोटी छोटी क्रेन है वो गटर को लोड करेंगी। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये एक वो साहब के सामने, इसके सामने सैनी की जो रात को आई है वो 2, और इसके अलावा वो 3-4 खड़ी क्रेन है यहाँ पर इस टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ना माहौल एक नंबर हो रहा है, ऊपर नीले आसमान के नीचे, और जो फ्रेम है ना वो भी बहुत प्यारा आ रहा है, और वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि जो धूप का डायरेक्शन रहता है ना वो एकदम सटीक होना चाहिए जब आप वीडियो शूटिंग करते ना, तो अभी यहाँ पे एकदम, और ये कलर है ना सैनी का ये भी बहुत अच्छा आ रहा है वीडियो के अंदर। तो भाई पहले गटर को उठाने का यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी तो केवल इन्हीं दोनों मशीनों से करेंगे, बाद में वाली मशीन जब वहाँ पे लोकेशन पे जब फिक्स हो जाएगी तो जो 4th नंबर की मशीन आई उससे फिर हम इसका उठाने का काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख रहे ना, मैं एक्सकेवेटर के अंदर बैठा हूँ और यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया जगह लोकेशन एक नंबर मिली है। और यहाँ पर आप देख रहे ना ऊपर इसमें गटर में एक हुक दिए बनाए जाते हैं, जब कास्टिंग की जाती ना तो इस टाइप के हुक बनाए जाते हैं, उसके अंदर डी सर्कल लगा के इसको पहले उठाया जाएगा, और नीचे गुटके लगाए जाएंगे, ये गुटके रखे होंगे, उसके बाद ये मोटा वाला रोप देख रहे ना ये फंसाया जाएगा, क्योंकि इससे भाई हम लोग उठाएंगे इसको, अभी तो केवल इस रोप को फंसाने के लिए हल्का सा उठाएंगे गुटका लगा के, तो इसको बाद में रोप डालने के लिए केवल। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे ना प्रसाद वरसाद चढ़ा के, और अभी काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो नारियल फोड़ो, ये अच्छी बात है, जय बाबा जी की जय हो, काम अपना एक नंबर हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जगह को लेवल किया जा रहा है, और गटर को तो बिल्कुल टांग लिया है, हल्का सा पता उठाना बाकी, अभी रखा हुआ है वैसे गुटके के ऊपर, ये ट्रेलर लगाने की जगह बन रही है, अब थोड़ा सा ट्रेलर के जो टायर वायर आएंगे वो क्या इसको हवा में टांग लेंगे, उसके ऊपर नीचे से ट्रेलर अपन लगा देंगे, जो हमेशा अपन करते हैं वही करने वाले हैं, पर थोड़ा सा पहला गटर है और थोड़ा सा जगह थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा जगह कम थी, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम था, ऊँची नीची जगह पर बना दिए थे उस टाइम, अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पर एक्सकेवेटर है तो इससे हम लोग कर लेंगे, हो गया एक्सकेवेटर का काम, ये निकल गई आगे की तरफ, सामने ट्रेलर एकदम रेडी खड़ा, उसको लेते हैं पीछे की तरफ, इसको अब उठाते हैं और आगे का काम अपन चालू करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हम लोगों ने स्टार्ट तो किया है और ट्रेलर भी लेके आए पीछे, ये ट्रेलर यार जगह थोड़ी सी हल्की सी कम ज़्यादा सी लग रही है मेरे को, क्योंकि ट्रेलर भी एकदम इतना बड़ा ट्रेलर है, ये जगह घूम भी नहीं रहा है, देख रहे ना पूरा वॉल्वो का FME ले जैसे ट्रांसफार्मर ले जाना, नॉर्मल ट्रेलर भी भाई यहाँ काम कर जाते मेरे हिसाब से,
पर इनके साथ भी करो, सीखो कुछ ना कुछ, क्या इससे कुछ फायदे भी होते होंगे, कुछ बेनिफिट भी होते होंगे इनसे। नुकसान है तो क्या, वो बेनिफिट भी रहेंगे, तो सीखो भाई साइड पे यही चीज़ें। मशीनों का कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, अमेजिंग। तो अभी इसको फटाफट लोड कर दें, क्योंकि भाई आज कोशिश करते हैं तीन चार चारों लोड कर देते, क्योंकि चार क्रेन है तो चार तो होने चाहिए आज। ट्रेलर का जो थोड़ा सा मैं बेनिफिट दिखा रहा था वो ये है कि ये जगह पे कट जाता जाता, देख रहा ना ये, तो आगे पीछे कहीं से भी इसको कट अपन घुमा सकते, यही इसका बेनिफिट है। और क्योंकि तो इसमें अब आगे भी स्टेयरिंग होती है, पीछे भी स्टेयरिंग होती है, जहाँ मर्जी वहाँ से काट दो, ये बात तो भाई। लोकेशन को देख लो, और पहला गडन लगभग लोड ही हो गया यहाँ पे, ट्रेलर उसके नीचे लगा के, और ये गडर को पहला रख ही दिया लगभग, थोड़ा सा बाहर निकाल रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा है सेंटर का मिला के, हो गया। ये ट्रेलर का एक बार का ये फायदा मेरे को देखने को मिला, ये एक बार में लग जाता है, क्योंकि एक बार इतना बड़ा ट्रेलर में ड्राइवर लगाता है, बाकी पीछे जो स्टेयरिंग रहता है उससे भी काम हो जाता है, बार बार आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ायदा भाई इस कूलर वाले का, ये जो कंजेस्टेड जगह में ऊँची नीची जगह में भाई ये ईजिली लग जाता है। बाकी भाई आप वॉल्वो की पावर तो आप जानते ही हैं, सुखतवा ब्रिज पे आपने देखी यही था, वो सेम टू सेम 400 मॉडल था। लोकेशन पे काम तो चल ही रहा भाई, और साथ में हमारे साथी लोग यहाँ पे मजे लेते हुए एक दूसरे के, क्योंकि काम वाम है नहीं ज़्यादा यार, सब लोग इस टाइम पे फ्री हैं। गटर भाई यहाँ पे लोड हो गया है, ये हमारे मक्खनबाजी भी खड़े हैं, पल्लूबाजी भी खड़े हैं, और ट्रेंसों ने अपना काम कर दिया है। अभी इसको सेटअप करते हैं, यहाँ से दूसरी तरफ लेके चलते हैं भाई। तो दोस्तों ये काफिला निकालते हुए हम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफार्मर निकाल रहे हैं, साला 50 टन का एक गटर है वो ही निकाल रहे हैं। ये देखो ट्रेन पर कैसे, ये फ़ायदा है इसका, ये आधे टायर हवा में आधे टायर नीचे हैं इसके, और भाई साहब पीछे से देखो स्टेयरिंग कैसे घुमा रहा है। एक जो मैंने एक वीडियो डाला था भाई सुखतवा ब्रिज का बहुत पहले, जो एक शॉर्ट वीडियो था, उसमें काफ़ी लोग भाई क्या कमेंट कर रहे हैं कि एक काका है वो धक्का मार रहा है काई को इसको, क्योंकि वो धक्का नहीं मार रहा है भाई, वो पीछे का ट्रेलर को ऑपरेट कर रहा है, जैसे ये काका कर रहा है ना ट्रेलर को ऑपरेट, ऐसे वो कर रहे थे। तो ये जो काका है पीछे से स्टेयरिंग ऑपरेट कर रहा है, इसमें पीछे एक इंजन लगा होता है, इसी से आपका हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है। ये जो लीवर देख रहे हैं इनसे ऑपरेट होता है हाइड्रोलिक पीछे वाला सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई हम लोगों से, वो अभी नहीं हुई, वो हुई कास्टिंग के टाइम पे, कि इसका जो साइड है ना थोड़ा गलत बन गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये ट्रेलर घुमाना पड़ेगा, इसका ये वाला हिस्सा आगे वो वाला हिस्सा पीछे कर देंगे तो ये काम अपना हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रेलर को पीछे रिवर्स लेके घुमा लेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। वैसे क्या होता है इस ट्रेलर को आगे से पीछे खोल भी सकते हैं, तो अभी रोड को थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे और ट्रेलर को पूरा हम लोग घुमा रहे हैं, 25 मीटर का गटर को लेके हम लोग यहाँ पे एक तरह से टाइम पास कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेलर को भाई चलाना भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। उस्ताद देखो, ये उस्ताद चला रहा है यहाँ पे, खुद तो ऑपरेट कर ही कर रहे हैं भाई, पीछे जो इनके हेल्पर है ना दो, वो भी भाई पीछे इसका स्टेयरिंग, जो ट्रेलर का स्टेयरिंग है ना वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी इसको घुमाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा काम, क्योंकि ये पीछे जो जंक्शन है उसके अंदर घुसेड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये ना परफेक्ट जगह, जो जंक्शन था जंक्शन का सदुपयोग हो गया, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन था तो उसमें अंदर डाल के और गाड़ी को यहीं से एकदम से घुमा देंगे तो दोनों काम हो जाएंगे अपने। आगे उस जगह पे हल्का सा टायर इसके टच हो गए थे, मिट्टी के ऊपर चढ़ गए थे, मिट्टी के ढेर के। भाई ट्रेलर ही इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करोगे इसको, इसको एक दो बार आगे पीछे करके तब तो ये घूमेगा यार। सेम एटीसी की कंडीशन सुखतवा के ब्रिज में होती, फिर पाँच मिनट का दोस्तों ब्रेक लिया था, हल्का सा ट्रैफिक रोका था, उसमें तो कितना जाम लगा यहाँ पे, तो लाइन लग गई यहाँ पे गाड़ियों की आगे पीछे चारों तरफ। और हमारा जो गटर था वो हम लेके यहाँ पे अंदर ले आए, ये इस लोकेशन पे। अभी यहाँ लोकेशन पे क्या होगा, इसका इसका जो कूलर है ना वो चेंज करेंगे, कूलर आगे से खोल के इसको पीछे लाने लगे तो डायरेक्ट सीधे इरेक्शन पॉइंट पर। तो भाई ये पहुँच गया लोकेशन पर, और उस्ताद ने एकदम गटर बिल्कुल फिक्स टू फिक्स लगाया है, टायर देख रहे हैं बिल्कुल जगह पे बिल्कुल घुमा दिए उन्होंने। वैसे वहाँ पे मूव करने वाले थे, फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही लगा दूंगा, रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है, ऐसे एक बार में ही रिवर्स लगा दिया उन्होंने। ये तो कूलर को इजीली जगह पे पहुँचाना आसान है। ये
अभी बिल्कुल फिक्स टू फिक्स पहुंच गया। अभी क्या है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जो आप सोच रहे हो जब 80 टन की क्रेन से ये उठ गया तो भाई 300 वाला 150 वाला क्यों लगा रहे हैं, तो वो इसलिए भाई क्योंकि इरेक्शन के लिए भाई गटर को दूर से उठाना पड़ता है। तो यहाँ से इतनी दूर से उठा के वो उसको लगभग 10-12 मीटर अंदर ले जाके वहाँ पे आप इरेक्शन करोगे, तो क्या कभी कभी क्या साइड पे एकदम ट्रेलर बिल्कुल जगह पे नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे जगह पे भाई आपको बड़ी क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी क्रेन दूर से भी उठा के इजीली भाई गटर को प्लेस कर देगी जगह पे। तो इसलिए भाई जो इरेक्शन करने वाली क्रेन हमेशा बड़ी साइज़ की रहेंगी, अपना जो गटर रहेगा गटर से डबल कैपेसिटी की रहेंगी। तो गटर भाई अपना 60 टन के आसपास का, 55 से 60, तो क्रेन 150 टन की लगेंगी इसके लिए। इसीलिए तो जो जगह पे उठाना का काम रहता तो भाई छोटी क्रेन भी उठा देती 80 टन की। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे ना पहला वाला गडर हम लोगों का यहाँ पे इरेक्शन हो चुका है। ये अभी थोड़ा लंच का टाइम था, हम लोग लंच पे चले गए थे, तो दूसरा गडर भाई लेने के लिए ट्रेलर यहाँ से पहुँच गया है ऊपर। अभी वो दूसरा वाला गडर लेके आएगा, वहाँ पे लोडिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे 2 क्रेन है एक्स्ट्रा वहाँ पे खड़ी है गडर लोडिंग के लिए। और जो गडर को हम जो इरेक्शन करेंगे उसके लिए ये 2 बड़े साइज की क्रेन है ये खड़ी है, इनसे हम गडर को इरेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 4 क्रेन है, मज़ा आएगा। अभी आगे चलते हैं अपन जहाँ गडर लोड हो रहा है सेकेंड वाला। तो गाइज अपना एक गटर लॉन्च हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं ना, और मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। हाथ मत हिलाओ, वीडियो ख़राब हो जाएगी मेरी। और ये जैसा आपको दिखाता हूँ, ये पीछे से आया हूँ मैं, ये वाला गटर एक लॉन्च हो चुका है, देख रहे हैं ना आप एक। अभी इसका बेयरिंग वेयरिंग सपोर्ट वपोर्ट लगा दिए जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सपोर्ट वपोर्ट लगा के एकदम कंप्लीट कर लिया। सपोर्ट बिना सपोर्ट के भाई कभी भी गटर मत छोड़ो क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है इनकेस है कोई रहते हैं खुरापाती लोग उल्टे सीधे काम करते जरा से भी गिर जाता है वो, तो इसको सपोर्ट वोर्ट बेल्डिंग से जरूर कर दो। अब ये हो गया, दूसरा वाला लेके आएंगे तो उसके लिए ये वाली दोनों क्रेन देख रहे, ये वाला हुआ एक, ये वाला बिल्कुल फ्री हो गई इस टाइम पे। तो अब अपन इन दोनों क्रेनों को भाई यहाँ पे, ये दोनों क्रेनों को काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी काम है अगला वाला उनका, वो सामने दिख रहा ना उनका काम चालू हो गया। तो अभी चलते हैं उधर की तरफ। तो गाइस अभी हम आ गए यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे और एक मशीन ने लोकेशन ले लिए, ये लग के कंप्लीट हो गई। गटर को पहले भाई इस जगह से थोड़ा सा बाहर लिया क्योंकि थोड़ा सा गलत टाइप से मशीन लग गई थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और अभी इस मशीन को फिर से हटाया, इसको इस PCC के ऊपर खड़ी थी ये, यहाँ से इसको इधर शिफ्ट किया है, मतलब एक बार शिफ्टिंग करनी पड़ी। अब ये दूसरी तरफ से लगाएंगे मशीन, तब भाई गटर सीधा सीधा भी उठा देंगे तो गटर जो आपका ट्रेलर रहेगा एक्सल वो सीधा सीधा आ जाएगा इस लोकेशन पर, तो ये यहाँ पे जगह पे लोड हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जब भी करते हैं ना, तो ट्रेलर कहाँ से आपको घुसड़ोगे वो जगह वगैरह से आपको एकदम देखनी पड़ेंगी तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। अभी क्रेन की लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक छोटी सी गलती के चक्कर में ये पूरा सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। मशीन एक जगह से दूसरी जगह लगाना मतलब कि आधा से पौना घंटा ख़राब करने वाला काम है। अभी मशीन को जगह चेंज किया ये, और उसकी प्लेटें लगाओ, ये करो वो करो, उसके नीचे के जो स्टेपलर के जो प्लेटें वगैरह लगा के सारा सिस्टम नया बनाना पड़ेगा। अब ये जो लोकेशन हो गई ना खाली, इसमें नीचे से ट्रेलर डालेंगे तब भाई अपना गटर लोड होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इस लोगों में से किसी लोगों ने स्कीम ऐसी लगाई कि एक साथ 2 गटर उठा देंगे हम, यहाँ से सेंटर में लगा देते हैं और ट्रेलर घुसेड़ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, मशीन ओवरलोड मान रही है। छोटी मशीन है, जगह पे आपका गटर उठा देंगी और आपको लंबा स्विंग करके ट्रेलर पे नहीं रख पाएंगी, ये जगह पे उठा देंगी और नीचे ट्रेलर लगा ऊपर से आप लोड कर सकते हो, इतना ही कर सकती हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा फिर से सेटअप बैटअप लग गया है और ट्रेलर को अंदर लेते हैं फिर से। उस्ताद ने इस बार ट्रेलर उल्टा लगाया, देखो ये कूलर ही कर सकता है, ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। ये कूलर में क्या आगे से पीछे से दोनों तरफ से ऑपरेट करने की क्षमता रहती है। अब ये देख रहे ना वोल्वो का बुलर, इसको आगे से चला रहे हैं उसका, देखो ये टेक्निक होनी चाहिए आपको चलाने की। और ये क्रेन लग गई है, थोड़ा सा रोड के ऊपर लगी, थोड़ा बैरिकेडिंग लग करके हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हल्का बाहर से, और क्रेन लग गई है। अब इसको उठाते हैं फटाफट, इसको लगा के और आगे की कार्यवाही करते हैं अपन। तो गाइस यहाँ पे एक बार फिर से पहिए घूमने लगे हैं हमारे, और अभी ट्रेलर बिल्कुल इसके नीचे लगा रहे हैं, गटर एकदम हवा में टांग लिया है आप देख रहे हैं। और यहाँ पे उस्ताद की परफॉर्मेंस देखो भाई, कितना प्यारा वो एक्सल को चला रहा है, वो भी फ्रंट से चला रहा है क्योंकि ये फ्रंट पे अटैच है। ये देखो, ये ऐसी चीज़ें हर कहीं देखने को नहीं मिलती, ये जब आपके ऑपरेटर या ड्राइवर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है ना तभी ये काम पॉसिबल है भाई, ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल वो भी फ्रंट से चलाना। बाकी का काम तो वैसे पीछे ही इसको मोड़ सकते हैं, पर फ्रंट से भी भाई चलाना कोई मामूली बात नहीं मेरे हिसाब से। अब ये जा रहा है बिल्कुल उसके नीचे और गटर बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोटी सी गलती के चक्कर में हमारा काम लेट हो गया, नहीं तो अभी तक ये गटर कब का लॉन्च भी हो सकता था। देखते कोशिश करते इसको लॉन्च कर देते, सुबह की कक्षा सुबह करेंगे फिर।
यहाँ परफॉर्मेंस देखिए भाई वॉल्वो की। हो गया तकरीबन, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आगे पीछे करके इसको, और गुटके के ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। फिर यार ये थोड़ा क्रेन थोड़ा सा रोड के ऊपर लगी है आधे पे, वैसे हमने बैरिकेडिंग कर दी है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, और लड़के खड़े हैं रेड कलर की झंडे लेके जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। पर उस्ताद की ऑपरेटरी मान गए यार हम, रिवर्स में कैसा लगाया उन्होंने, पर वो ट्रांसफार्मर वाले थे वो तो अलग ही लेवल के थे भाई, उनका तो कुछ कहने की बात ही अलग है भाई। तो गाइस देख रहे हैं ना, शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया, गडर हमारा जो सेकंड नंबर का था वो भी हमने ट्रेलर पर से उतार के यहाँ पे इरेक्शन कर ही दिया, मतलब लटका के रखा हुआ है। अभी उसमें बेयरिंग फिक्स करने पड़ते हैं ना, तो इस बेयरिंग फिक्स करने में लगभग आधे से आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि इसके के हॉल मैच करना, प्लस उसमें थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट चला जाता है उसको साफ करना, फिर बेयरिंग फिक्स करना, फिर बेयरिंग को नीचे पेडिस्टल के जो हॉल रहते हैं उनके अंदर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको इस टाइप का डिटेल चाहिए तो किस टाइप से करते हैं मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में को जरूर करना किस टाइप से, अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं आपको पेडिस्टल के अंदर बेयरिंग कैसे बिठाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी लगभग ये तैयारियाँ हो ही चुकी हैं, बाकी वो उस टाइप का डिटेल में मैं दिन में बताऊंगा, कि अंधेरे में समझ में नहीं आएगा। तो होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आज हमने दो गडर लगभग हमने लॉन्च कर लिए, तीसरे वाले की तैयारी है हमारी, वो सुबह चालू करें, कल दो बाकी के हो जाएंगे तो हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा काम, फिर यहाँ से सारा काफिला लेके चलेंगे हम यहाँ से केसला वाले ब्रिज पे, फिर अगला हम वहीं पे लॉन्चिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली हो गया टाइम 7 बजे का, और हमारा ये गडर अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्च हो चुका है एकदम, बेयरिंग वेयरिंग लगाने में तो मैंने बताया ना आधा से पौना घंटा लग जाता है, 6:30 बजे के आसपास हमने इसको लटका के रखा था, तब से आधा घंटा लग गया, वैसे जल्दी हो गया, नहीं तो भाई एक एक घंटे भी लग जाते, कभी हॉल मैच नहीं हो पाते, थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है। तो होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, और आप अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले नई वीडियो में, धन्यवाद।